लिगेंड क्या होता है बच्चों, हमने आपको कई बार बताया था कि लिगेंड इज एनीथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। लिगेंड कुछ भी हो सकता है, कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स। लिगेंड पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। शर्त इतनी है कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होना चाहिए, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होनी चाहिए। अगर एम्बिडेंट लिगेंड की बात करें तो एम्बिडेंट लिगेंड के पास दो डोनर एटम होते हैं, बट एट ए टाइम ओनली वन डोनर एटम इज यूज्ड। ये आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेंसिल है और आपके पास शार्पनर है, तो आप पेंसिल को बनाते हैं, फिर शार्पनर लिखने के लिए, और फिर दूसरी साइड की पेंसिल को भी बना लीजिए लिखने के लिए। तो लिखने का साइड आपके पास दो दो, आप इस साइड से पेंसिल लिख सकते हैं, आप इस साइड से भी पेंसिल से लिख सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही साइड से तो लिख पाएंगे। तो वही ठीक होता है एम्बिडेंट लिगेंड, यानी एम्बिडेंट लिगेंड के पास दो दो डोनर एटम है, लेकिन एक बार में एक ही डोनर एटम इस्तेमाल करने की परमिशन होती है, दैट इज द एम्बिडेंट लिगेंड। सर कोई एग्जाम्पल, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे पास CN-, अगर आप इसको देखिए तो इस समय डोनर एटम है कार्बन, तब ये है साइनाइड। ये क्या है? साइनाइड, या इसे साइनो भी बोलते हैं। और अगर यही डोनर एटम नाइट्रोजन हो जाए तो ये हो जाता आइसोसाइनाइड या फिर आइसोसाइनो। अगर आप इसको देखिए तो यहां पर डोनर एटम है नाइट्रोजन, एट दैट टाइम इट इज ए नाइट्रो, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। और अगर डोनर एटम ऑक्सीजन हो जाए तो इसको बोलते हैं नाइट्राइट, नाइट्राइट, या कई बार नाइट्रेटो भी बोलते हैं। बात करने चल रहे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की। देखिए फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड बेटा उसको बोलते हैं जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, जिसके अंदर झुकने की क्षमता हो। जैसे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड वो लिगेंड बनते हैं वो जिसके लिए बने हैं वो काम तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर दूसरे का भी वर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, आप एग्जांपल से समझिए कि हमारे पास कोई लिगेंड है, दैट इज द सल्फेट -2, और सारी दुनिया जान रही है कि ये सल्फेट एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड होने के बावजूद भी ये सल्फेट वर्क कर सकता है मोनोडेंटेड लिगेंड का, यानी वर्क एज मोनोडेंटेड लिगेंड आल्सो। इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, यानी जिसके लिए बना है बाइडेंटेड उसका तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये काम कर सकता है मोनोडेंटेड लिगेंड का भी, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको और देते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, दैट इज द EDTA। क्या है? EDTA -4, EDTA -4। ये EDTA जो होता है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन इट कैन वर्क एज आल्सो टेट्राडेंटेड एज वेल एज पेंटाडेंटेड लिगेंड आल्सो, वर्क एज टेट्राडेंटेड लिगेंड एंड पेंटाडेंटेड लिगेंड आल्सो। लीजिए ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये टेट्राडेंटेड लिगेंड का भी काम कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर पेंटाडेंटेड लिगेंड का काम कर सकता है, यानी कुल मिला के EDTA कैसा लिगेंड है, दैट इज द फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। आइए अब हम बात करना चाहते हैं चिलेटिंग लिगेंड की। व्हाट इज ए चिलेटिंग लिगेंड? चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं ये समझने से पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि चिलेटिंग लिगेंड जिस भी कॉम्प्लेक्स में आता है उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी चिलेटिंग लिगेंड जिस कॉम्प्लेक्स में आएगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उस कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा होगी जिसमें चिलेटिंग लिगेंड नहीं है। सर होता क्या है तो आपको बताते हैं, चिलेटिंग लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिसमें 5 to 6 मेंबर की एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। जैसे हमारे पास इथाइलिन डायमिन इज द कोबाल्ट, देखिए 1 2 3 4 5
फाइव मेंबर एटम की एक रिंग बन गई। इस रिंग को बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ये कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड, दैट इज द इन। और भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सपोज करिए ऑक्सलेट लीजिए, दैट इज द ओएक्स ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट भी एक कैसा लिगेंड है? चिलेटिंग लिगेंड, यानी वे लिगेंड जिसमें फोर फाइव या सिक्स मेंबर की एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, उस लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और ऐसे लिगेंड जब भी कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे।